हम लोग हिमाचल में एंटर हो रहे हैं और शिमते हैं। ये थोड़ा सा भी सस्पेंस है, काफी अच्छी जगह होने वाली यार वो। गुड मॉर्निंग एंड राम राम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो यार आज बड़े दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर पा रहा हूँ। बीच में एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी तुम्हारे भाई की, तो अब सब ठीक है, इसलिए व्लॉग वगैरह नहीं हो पाए, कहीं ट्रैवल नहीं कर पाया था मैं, थोड़ा रेस्ट कर रहा था। तो यार आज एक और नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नए प्लेस पे जा रहे हैं। वैसे तो यार थंबनेल देख के आप लोग समझ ही जाओगे, पर मैं फिर भी बता देता हूँ, इस बार हम निकल रहे हैं सांगला वैली विजिट करने। तो मैंने इसके बारे में सुना बहुत था, और स्पीति जाते टाइम एक्चुअली रास्ते में सांगला वैली आती भी है, पर कभी उस तरफ गए नहीं। तो आज हमने सोचा स्पेशली सांगला वैली डिस्कवर करके आते हैं और अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कि वहाँ क्या क्या बढ़िया है, कैसा वेदर है, सब कुछ सांगला वैली के बारे में। तो गाइस गाड़ी में बैठ चुके हैं यार, लगेज वगैरह सब रख लिया है, और अब निकलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी लेके भोले बाबा का नाम। बोल शंकर भगवान की जय। अभी पंचकुला क्रॉस करा हमने, और पंचकुला आने में हमें लगभग लग गए हैं यार 5 घंटे के करीब, हो गए होंगे ना इतने तो? हाँ। तो लगभग हमें 5 घंटे लग गए पंचकुला पहुंचने में, जिसमें हमने आधे पौने घंटे का स्टे लिया था कुरुक्षेत्र में। और बाकी यहाँ यार मौसम थोड़ा सा ठीक है दिल्ली के मुकाबले, पर गर्मी बाहर है। अभी देखते हैं होपफुली ऊपर अच्छा मौसम मिलेगा, दिख रहा होगा आपको कैमरे में अगर थोड़ा बहुत, तो पहाड़ वगैरह शुरू हो गए और बढ़िया वाइब्स आने लग गई यार, मस्त वाली एकदम फील आ रही है। और अब चलते हैं और आगे देखते हैं कैसा मौसम मिलता है। हम लोग हिमाचल में एंटर हो रहे हैं और शिमला यहाँ से 89 किलोमीटर है अभी, और शिमला तक तो हम लोग एटलीस्ट पहुंचेंगे, और उसके बाद देखते हैं कहाँ स्टे करते हैं। ये थोड़ा सा अभी सस्पेंस है, काफी अच्छी जगह होने वाली यार वो। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का सफर अपना। तो भाई जिस चीज का डर था यार वो ही हो गया है। अभी जस्ट हिमाचल में एंटर ही हुए थे, टोल टैक्स है नीचे, वहां से क्रॉस करा था, और क्रॉस करते ही ये भाई बुट्टे वाले आ गए। ये जाम लग गया यार ये देखो, और अभी जो मैप पे दिखा रहा आई थिंक 1 से 2 किलोमीटर का जाम है पूरा आगे तक, ये देखिए जाम ही जाम है यार। थिंक अभी छुट्टियां चल रही हैं स्कूलों की, तो इस वजह से लोग बाग ज्यादा आए हुए हैं, हालांकि वीकडे आज वीकेंड नहीं है, फिर भी भीड़ है यहाँ, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। गाइस अभी एक स्टॉप और लिया हमने, अभी सोलन जस्ट क्रॉस करा था, और सोलन और शिमला के बीच में ये होटल मेघदूत करके है, और अभी एक बार अंदर जा रहे हैं कुछ स्नैक्स वगैरह और ले लें, काफ़ी टाइम हो गया चलते चलते। एक बार नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ की, क्या शानदार नज़ारा यार। और ये प्रॉपर्टी है होटल मेघदूत, बहुत ही अच्छी लग रही है प्रॉपर्टी। ये देखिए कुछ नज़ारा यहाँ से, बहुत ही शानदार नज़ारा दिख रहा है यार। ये इनका सिटिंग एरिया है, अभी थोड़ी धूप है तो अंदर ही बैठेंगे हम लोग तो। और बाकी ये देखो दोस्तों बहुत ही शानदार नज़ारा, लोग यार करीबन अपनी जो डेस्टिनेशन आज की रहने वाली है उससे 25-30 किलोमीटर पहले रुके हैं। काफ़ी थक गए थे चल चल के, तो मैंने सोचा क्यों ना 5-10 मिनट का हॉल्ट लिया जाए। तो अभी रुके थे यहाँ, नज़ारा थोड़ा अच्छा था, मौसम यार काफ़ी ठंडा हो चुका है यहाँ। मैं एक बार आपको नज़ारा दिखा देता हूँ, ये देखो चेकआउट करो दोस्तों लोकेशन, ये अपनी बीच खड़ी हुई है। लगभग टाइम 6 बज चुके हैं यार, सनसेट का टाइम हो गया, हार्डली अब 10-12 किलोमीटर रह गए डेस्टिनेशन। और भाई ठंड बहुत ज़बरदस्त हो गई है यहाँ, आई थिंक टेम्परेचर इस टाइम भी 15-16 हो चुका है, और रात को शायद 10 से नीचे आ ही जाएगा। तो भाई जिस शांति के लिए यहाँ आए थे ना हम पहाड़ों में, वो मिलनी शुरू हो गई अब, और बढ़िया लग रहा है। देखते हैं स्टे पे, होपफुली बहुत बढ़िया स्टे हमने चॉइस करा है, बाकी जाके अभी देखते हैं कैसा मिलता है, उम्मीद है कि अच्छा ही होगा स्टे। तो भाई अब 1 किलोमीटर लास्ट रह गया अपनी डेस्टिनेशन, और ऑफ रोडिंग देख लो आप कितनी तगड़ी हो रही है यहाँ पे। अभी तक गाड़ी
अभी तक गाड़ी में 4x4 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। रास्ता देखो यार कच्चा भी है और हाइट भी काफी ज्यादा है। ठीक आराम से नॉर्मल चढ़ आ रही है गाड़ी चलती हुई। पहुंच चुके हम अपनी लोकेशन पे और ये हमारा होम स्टे है ये रहा। और लोकेशन एक बार देखो यार कितनी प्यारी ब्यूटीफुल और बिल्कुल मेन शहर से हट के है ये। और बहुत ही सही टाइम पे पहुंचे यार लाजवाब। ये सब यहाँ पे आई थिंक सेब वगैरह की खेती हो रही है और उसको कवर अप करा हुआ है बारिश वगैरह से बचाने के लिए। बाकी लोकेशन बहुत बढ़िया यार मज़ेदार है। तो गाइस फाइनली आ चुके अंदर होम स्टे में और ये हमारा रिसेप्शन एरिया है यहाँ पे। और अब एक थोड़ा सा रूम वगैरह के लिए बात कर रहे हैं, उसके बाद आपको रूम भी दिखाएंगे। बाकी यार नज़ारा बहुत ही शानदार है, देखो एक बार चेकआउट करो यार मज़ेदार। कुछ नहीं रखा यार दिल्ली दिल्ली में, यहाँ हो अपना मस्त मज़े लो लाइफ के। और ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ, अभी अगर कैमरे में दिख पा रहा होगा तो मेरे सामने सारे जितने भी रेंजेस दिख रही हैं पहाड़ की, एक तरफ पूरा ग्रीनरी है और एक तरफ पूरा आइस है, बर्फ के पहाड़ हैं। देखो दोस्तों थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको, ये जितना भी है ये सारा ऊपर वाला बर्फ ही बर्फ है सब अभी। और ये इस साइड ग्रीनरी है पूरा, अभी एक्चुअली सनसेट हो चुका है यहाँ पे तो इसलिए उतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है। दोस्तों जो होम स्टे है ये नारकंडा से लगभग 10-11 किलोमीटर ऊपर आके है, तो मेन शहर से हटके है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और पीसफुल है बहुत। और अभी हल्का फुल्का यहाँ पे बोन फायर वगैरह का प्रोग्राम है तो और भी मज़ा आने वाला है। तो अब थोड़ा एक बार रूम देख लेते हैं और थोड़ा सा फ्रेश अप हो लेते हैं यार। फ्रेश अप हो के फिर हम बैठेंगे आराम से बोन फायर वगैरह के मज़े लेंगे। तो भाई कुछ नहीं रखा था बाबा जी में, उतना जैकेट निकाल लिया और मस्त जैकेट पहन लिया। ठंड बहुत हो चुकी है यहाँ, अब आई थिंक और एक घंटे में कैप वगैरह सब कुछ ही पहनना पड़ जाएगा। और टेम्परेचर अराउंड 8 to 10 यहाँ पे है इस टाइम आराम से। और जैसे जैसे रात हो रही है तो टेम्परेचर और डाउन आएगा। तो ये स्टूडियो अपार्टमेंट है यार, ये फाइनल करा है मैंने। ये देखो काफ़ी बढ़िया है और डेकोरेटिव भी है यार, रूम बड़ा अच्छा है ये और काफ़ी स्पेशियस है। एक बेड यहाँ पे है और एक डबल बेड वो सामने, और ये वॉशरूम है काफ़ी नीट एंड क्लीन। गीजर भी है यहाँ जो कि ये मस्ट हैव चीज़ है ये। और भाई शीशा भी काफ़ी अच्छा है। और दे तुम्हारा भाई थक गया यार आज, थोड़ा सा ड्राइव ज़्यादा हो गई है। बाकी ये रूम फाइनल करा यार। रूम में जो एक बहुत बढ़िया चीज़ लगी है मुझे वो ये है कि ये जो विंडो है ना दोनों साइड, ये आपको माउंटेन व्यू देती है यार मस्त। अगर इसको मैं खोल के दिखाऊं, अभी एक्चुअली अंधेरा हो चुका है बाहर, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अभी अंधेरा हो चुका है कुछ दिख नहीं रहा बाहर। मैं आपको सुबह यहाँ का व्यू दिखाऊंगा बालकोनी का, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। और यार अब थोड़ा सा चाय मैगी खाएंगे, पहाड़ों पर आए और मैगी ना खाए ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी हमने मैगी के लिए बोला है, चाय और मैगी आ रही है रेडी होके। जब तक हम थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश होके और फिर नीचे पहुंचते हैं, वहां करेंगे मस्त सी बॉनफायर। भाई फाइनली अपनी चाय मैगी आ गई है मस्त ठंडे ठंडे चिल्ड वेदर में बैठ के, हल्की हल्की यहाँ पे रोशनी और मजेदार। भाई जब अपना नाश्ता करेंगे, देखो ये आ गया भाई चाय अपनी मस्त और ये मैगी।